तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्पॉट पर और आपको मैं आपको लगा करके आज दिखाने वाला हूँ। डीडी फ्रीड इसकी छतरी लगा रहे हैं। वैसे छतरी है सन डायरेक्ट कंपनी की है, ओरिजिनल छतरी है और इसको आज हम इंस्टॉल करेंगे। उसके डीडी फ्रीड इसका इसके अंदर सिग्नल मिलाना है, तो कैसे प्रॉपर तरीके से, कैसे कंपनी वाले जैसे लगाते हैं बढ़िया से, मतलब जो तरीका होना चाहिए लगाने का, डिस लगाने का जो तरीका होना चाहिए, पूरा तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको लगाते हैं, क्या सही तरीका होता है लगाने का और कैसे आपको अगर लगाना है, कैसे मजबूती से, किसमें मजबूती रखनी चाहिए, किसमें बारीकियों का, कौन सी बारीकियों के इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर देना। चलो इसका लगाते हैं सबसे पहले निशान। बहुत लोग होते हैं अंदाजे से इसका सुराग मारते हैं, लेकिन हम इसका प्रॉपर तरीके से निशान लगा करके सुराग मारेंगे। किसी भी चीज़ से, पेंसिल या पेचकस से लेकर के आप निशान लगा सकते हैं। आ जाइए नज़दीक। तो आपको जब भी छतरी लगाते हैं आप लोग, तो जैसे ये ऊपर की एक ईंट है, आप इस तरह की दीवार पर लगा रहे हैं, ऊपर से आपको एक ईंट छोड़ देना है, ठीक है। एक ईंट छोड़ देंगे और कोशिश करें जिसका जो भी सुराग आता है, इसका जो सुराग होते हैं वो आपके बिल्कुल ईंटों के बीच में होने चाहिए। कोशिश आपकी ये रहे, बहुत मजबूरी पड़ जाए तो आप मसाले के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो मसाले के अंदर अक्सर निकलने के चांस रहते हैं, इसलिए आप इसको पूरा जो बीच में होता है, ये जगह हिस्सा होती है, इसके ऊपर आपके सुराग होने चाहिए। तो देखिए मैं कैसे निशान लगाता हूँ इसके। देखिए आपको यहाँ पर रखना है इसको। अब आप देखेंगे कि ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको इस वाली ईंट पर रख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ ये हमारा दोनों बीच में हो जाएगा और इसको भी हमें बीच में ला लेना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। तो इसको हम इधर खिसकाएंगे हल्का सा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा हमारा इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा ये छतरी मजबूती के साथ लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बहुत समय तक। तो इस तरह से आपको इसमें निशान लगा लेना है। चलिए निशान लग गया, निशान को पक्का कर देंगे हम। इस तरह से निशान लगा के बड़ा बना देंगे इसको, तीर का निशान बना देंगे इसी जगह पे और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा निशान, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी बारी आती है कि इसके अंदर सुराग कौन सा लगाएंगे। सुराग लगाने के लिए हमारे साथ में जब ये वाली गिट्टी मिलती है तो इसको 8 mm की बिट से इसमें सुराग मारेंगे, तब जा करके ये बढ़िया से फिट होगी, ठीक है। इसके लिए आपको 8 mm की बिट ही लगानी होगी। अगर आप इससे पतला लगा लेंगे 4 mm या 6 mm का, तो आपका उससे सुराग बढ़िया नहीं होगा और ये फंसेगा नहीं, ये टूट जाएगा आपकी गिट्टी, ये बेकार हो जाएगी। फिर आप लकड़ी का जुगाड़ करेंगे और अन्य कोई जुगाड़ करेंगे इसमें। तो आपको इसमें 8 mm की बिट लगा करके इसके जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है इसके अंदर हम सुराग मारेंगे। ये 8 mm की बिट है और ये आराम से इसमें सुराग लग जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। ड्रिल मशीन लेना है और ड्रिल मशीन जब आप लेते हैं तो आप हैमर ड्रिल मशीन ही लीजिए। हैमर ड्रिल मशीन नहीं लेंगे तो आप उसमें लगे रहेंगे जोर लगाने में, वो आपका फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सुराग हमारे हो गए हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इसके सुराग कंप्लीट हो गया और अब हम इसके इस लेग को हम कस लेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले को कसेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर वाले को कसेंगे, ये गिट्टी लगाने के बाद में। तो इसकी गिट्टी को पहले लगा लेते हैं। इसको हथौड़ी से आपको ठोक लेना है, इसको हथौड़ी से इससे ठोक लेंगे हम इसको, इस तरह से रख करके हल्के हल्के हथौड़ी ठोक लेंगे। अगर ये सुराग के अंदर आपके नहीं जा रहा है किसी कारणवश, तो आप इसको क्या करें, सुराग को थोड़ा सा चौड़ा कर लें, ड्रिल को इस तरह से घुमा लेंगे तो सुराग चौड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको लगाएं। इसको ठोकने में आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी होगी और जब आप इसका सुराग करेंगे तो सुराग में आप देख लीजिए कि जितनी बड़ी आपकी ड्रिल है ये उसके 1 inch एक्स्ट्रा जाना चाहिए अंदर सुराग, इससे जितना बड़ा ये आपका फासनर है ये 1 inch आपको एक्स्ट्रा अंदर सुराग होना चाहिए। देखिए इसके अंदर ये हमारा गिट्टी नहीं जा रही है, हमारी गिट्टी नहीं जा रही इसके अंदर, तो इसको भी हम सुराग कर चौड़ा करेंगे और नीचे वाले को भी सुराग को चौड़ा करेंगे, उसके बाद डालेंगे, नहीं तो ये इसमें फंसने लग जाएगा, फिर ये टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा ये। आपको इसके सुराग को चौड़ा कर लेना है, उसके बाद जब हम इसको ठोकेंगे तो ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, बढ़िया से अब ये फिट हो गया और अब हम इसे
इसको कसेंगे इसमें, इसके अंदर यही नट कसना है। दोस्तों इस नट को कसने में बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं वो, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है वो। उनके लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि नए नए जो नौसिखुआ होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ऊपर हथौड़ी मारते हैं। वो समझते हैं कि 35-60 का पेंच है और इसके ऊपर हथौड़ी मारेंगे तो अंदर चला जाएगा, ले कभी नहीं जाएगा अंदर। हथौड़ी मारने से ये कभी अंदर नहीं जाएगा। या तो आप इसको 10 नंबर की गोटी से इसको आप टाइट कीजिए, और नहीं तो हमने इसके लिए मशीन में, अपने ड्रिल मशीन के अंदर ही हमने जुगाड़ बना रखा है इस तरह का। इसको मैं नॉर्मल पे करके, हैमर को हटा कर नॉर्मल करके इसको ऐसे लगा करके इसको कस दूंगा, और ये आराम से कस जाएगा इसमें। आप देखिए, अगर आप मिस्त्री हैं, इसका काम करते हैं, तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जुगाड़ बना लीजिए और इसको देखिए, ये पूरा मजबूत हो गया है। ये इतना मजबूत हो गया है कि अगर इसको मैंने ज़्यादा घुमा दिया दो चूड़ी और, तो नट को तोड़ भी देगा ड्रिल मशीन। ये ताकत इसके अंदर कम नहीं है, ये मत समझना। ठीक है, तब ऊपर के नट को भी हम लगा लेंगे। अभी भी डिस लगा रहे हैं आप, तो होल्डर लगाने वाले गिट्टी पेंच मत लगाइए। ठीक है, देखिए अब ये पूरा मजबूती हो गई है इसमें, बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, बिल्कुल सीधा है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर झुका रहता है इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा मजबूती से लग गया है। अब हम इसके छतरी को इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और इसके सिग्नल को मिलाएंगे और सिग्नल सेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो उससे पहले आपको तो सिग्नल में आने से पहले आपको इसके अंदर एक वायर लगा लेना है। वायर कौन सा, देखिए हमारे जो मिस्त्री होते हैं, जो बढ़िया मिस्त्री होते हैं, नकली जो होते हैं वो तो सेट टॉप बॉक्स लगा करके आपको चला करके दिखा देंगे। वहाँ पे जाएंगे, फिर एक फ़ोन करेंगे, कहेंगे सर जी बताओ आया, कितना आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो वो काम परफेक्ट नहीं होता है। बढ़िया काम वही है कि मीटर के साथ जो सेट किया जाए वही बढ़िया है, उसमें आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। जितने सिग्नल आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो सिग्नल आपके पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, हमारे पास सॉलिड कंपनी का, ये देख सकते हैं सॉलिड कंपनी का हमारे पास ये मीटर है, डिजिटल मीटर है, सेटेलाइट मीटर। इसको हम डीडी फ्री डिश पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे ये सिग्नल मिलाने में, 5 मिनट से भी कम समय में आपको मैं ये सिग्नल मिला करके आपको दिखा दूँगा। इस डिजिटल मीटर को 12 वोल्ट चाहिए होता है चालू होने के लिए। इसके लिए हमने ये वीडियोकॉन D2S का अडाप्टर लगा रखा है, आप देख सकते हैं वीडियोकॉन D2S का अडाप्टर है ये। तो हम इसके अंदर लगा देंगे, 240 वोल्ट देंगे, तो यहाँ से 12 वोल्ट निकलेगा, और हम इसके मीटर के अंदर लगाएंगे अपने, और यहाँ से ये 12 वोल्ट इसमें मिल जाएगा और मीटर चालू हो जाएगा। उसके बाद इसका सिग्नल मिला लेंगे। देख सकते हैं मीटर के अंदर लाइट आ गई है। ठीक है, और इसको सेट कहाँ पे करना है, चलिए आज मैं डीडी फ्री डिश की आपको फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। दोस्तों आपको अपने मीटर के अंदर 11090 और पोलैरिटी, आपको इसके अंदर सिंबल रेट जो है 29500 सेट करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप 11090 29500 इसका जो सिंबल रेट है वो उसको आप सेट करना है। स्ट्रेंथ आपकी आने लग गई है, क्वालिटी आना बाकी है, क्वालिटी ही सिग्नल होता है। तो चलिए सिग्नल मिलाते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपकी ये छतरी है, आप देखिए ये जो छतरी आप देख रहे हैं इसके अंदर 70, 80, 50 ये सब लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको जब सिग्नल मिलाएंगे तो आपको इस जगह पर आपको ध्यान रखना है कि अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। जब फ्री डिस्क का मिला रहे हैं तो आपको ऐसे इसको 60 के आसपास कर लेना है। इसको जो ये नट है, आप तीर का निशान जो नट के ऊपर देख रहे हैं, ये इसको 60 के ऊपर कर लेंगे नीचे से। देखिए, देखिए नीचे से 60 पे जब कर लेंगे तो ये लगभग यहाँ पे सिग्नल हमारे आ जाते हैं। इसको करके आप ऐसे घुमाएंगे तो आपके सिग्नल इस तरह से आ जाएंगे। आप मीटर देखिए, इसको हल्का हल्का आपको देख सकते हैं।
अभी सिग्नल कुछ हद तक आ गया है, अब इसको अब हम बढ़ाएंगे, छतरी को अच्छे से सेट करेंगे तो ये सिग्नल हमारा पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 60 के ऊपर करके आप जब फ्री डिश का सिग्नल मिलाएंगे तो आपके मिलाने के अंदर आसानी होगी। तो चलिए थोड़ा कैमरे को दूर करेंगे और आपको बताते हैं। ठीक है, सिग्नल आ रहा है लेकिन हम सिग्नल को और बढ़ाएंगे अभी। इसको आपको जब भी छतरी मिलाते हैं, सिग्नल मिलाने के यही तरीका है कि आपको ऊपर नीचे और इधर उधर ये करना होता है, कोई भी सिग्नल आपको मिलाना है तो, ठीक है। क्योंकि ये लूज है इसलिए हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लें। तो दोस्तों हमारा सिग्नल अब आ गया है, इसको इसके जो नट बोल्ट है नज़दीक लाओ, नट बोल्टों को हम इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे, ठीक है। सभी को इनको भी टाइट कर लेंगे, सभी को बारी बारी से हमें टाइट कर लेना है अच्छे से। सिग्नल आ गया है, कितने परसेंट है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन मिलाने का जो डिस्क को मिलाने का तरीका है यही है। आप जब सेट टॉप बॉक्स लगा के मिलाते हैं तो भी आपको ऐसे ही मिलाना है, और आप मीटर से मिला रहे हैं फिर तो बात ही अलग है। आप मीटर में सेट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी, आपको वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नट टाइट करो, दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर सिग्नल कितना आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ₹89% सिग्नल है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर स्ट्रेंथ 84 है और नीचे के जो सिग्नल है वो 89% है, ठीक है। और इसके जब आप डीडी फ्री डिश का सिग्नल मिलाते हैं तो आपको एक चीज़ का सिग्नल और मिलाना पड़ता है, वो होता है आपका डिश टीवी का। ये जो आपका डिश टीवी का जी फ्रीक्वेंसी है ये 12688 और डीडी फ्री डिश की 11090, दोनों पे हमारे प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं पूरे। तो अब जब हम फ्री डिश लगाएंगे तो उसके बाद में आपके जो टीवी चलेगी, डिश चलेगी, उसके अंदर डीडी डिश टीवी के भी चैनल आते हैं और डीडी फ्री डिश के भी चैनल आते हैं डीडी फ्री डिश पे, ठीक है। जो जी के चैनल होते हैं वो डिश टीवी के होते हैं, तो अगर आप डिश टीवी का सिग्नल नहीं मिलाएंगे तो आपको डीडी फ्री डिश के अंदर आपके वो चैनल नहीं आएंगे जी टीवी वाले, ठीक है। तो इस तरह से आप सिग्नल मिला सकते हैं। देखा आपने किस तरह से घुमा करके मैंने छतरी को लगाया। और ये जो हमारा LNB होती है, LNB का आपको इस तरह से रखना है, जब आप डीडी फ्री डिश या किसी भी कंपनी का डिश का मिलाते हैं, देखिए ये क्योंकि ये हल्का से, देखिए कुछ हद तक मैं इतना इस तरह से आपको इसको टेढ़ा रखना है हल्का सा, तो आपके सिग्नल पूरे आएंगे। अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा, ऐसे सीधा कर दूंगा, तो आप देखेंगे सिग्नल नहीं आएंगे छतरी इसमें, तो सिग्नल की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। आप देखिए इसमें 80% हो गया या 79 हो गया इसके अंदर। तो लेकिन जब मैं इसके अंदर बढ़ाता हूँ इसको, अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा इसका हल्का सा ऐसे घुमा दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिग्नल बढ़ जाएगा, ठीक है। और कई लोग होते हैं इसको उल्टा घुमा देते हैं, ये इस तरफ ऐसे घुमा देंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर सिग्नल कम हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें 53% हो गया, ठीक है, इस तरह से घुमाने में। तो आपको इस LNB का जो हिस्सा है, ये जो LNB है, आपको इसी तरह से रखनी है हल्का सा ये ऐसे, अगर आप डीडी फ्री डिश का आप सेट कर रहे हैं तो। अब इसको जब इस तरह से आपका हो जाए तो इसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिए कि कोई इसको, जब आपका इस तरह से सेट हो जाए तो उसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि कोई इसको घुमा ना सके, नहीं तो घुमा देंगे बार बार। इसको इतना अच्छे से टाइट कर दीजिए कि बस टूटने ना पाए, बाकी कोई हिलाए ना इसको, घुमाए तो उससे घूमे ना, ठीक है। बच्चे वगैरह छेड़खानी करें तो उनसे घूमे ना, ठीक है। तो अभी हमारा फाइनल हो गया, छतरी भी हमारी अच्छे से टाइट हो गई है। आप इनके ये जो नट हैं ये दोनों हमने लगाए थे, ये जो नट हैं ये दोनों जो हमने लगाए थे, ये सभी नटों को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक है। दो दो चूड़ी और कस देंगे, वैसे तो टाइट है ये, बाकी और थोड़ा सा कस देंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपकी छतरी ये हिलेगी नहीं। तो दोस्तों सिग्नल हमारे पूरे हो गए हैं,
तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखा आपने, हमने सिग्नल अपने छतरी के मिला लिए हैं, हमने अपने डिस्क के सिग्नल मिला लिए, हमारे सिग्नल पूरे हो गए हैं। और अब सिग्नल जब पूरे हो गए तो इसका कनेक्शन करके अब हम नीचे अपनी टीवी चलाएंगे तो बहुत आराम से हमें कुछ भी सेट टॉप बॉक्स लगा करके छतरी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीटर रहने से आपकी यही सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है तो अपने पास रख लीजिए और अपना काम बढ़िया से कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए, जुगाड़ मत कीजिए किसी का, ठीक है। यहाँ पे और आगे इसकी जैसे सेटिंग करेंगे तो वो कैसे तारों की सेटिंग करनी चाहिए जो कि लंबे समय तक आपके साथ रहें, कस्टमर के साथ रहें। दोस्तों छतरी तो हमारी लग गई है, छतरी लगने के बाद सिग्नल भी आ गया। सिग्नल लगाने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कि हम अपनी जो वायर है, वो वायर जो लगा रहे हैं वो कौन सा लगा रहे हैं। वायर के साथ में आपके जो कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर कौन से लगाओगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कनेक्टर कौन से लगाने हैं। कनेक्टर जैसे कि आपका RG6 का वायर है तो RG6 का ही कनेक्टर आपको लगाना पड़ेगा। अगर और कनेक्टर के अंदर भी क्वालिटी होती है तो आप इस तरह के कनेक्टर जो होते हैं वो कंपनी जो ओरिजिनल लगा कर देखी है वो होते हैं, ये होते हैं लोकल, ठीक है। तो आप इनको मत लगाइए, इनके अंदर बहुत परेशानी आती है, सिग्नल भी पूरे नहीं मिल पाते क्योंकि ये अच्छे से टाइट नहीं हो पाता है। यहाँ से इसके साइज में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको मत लगाइए, इसको हम कर देंगे साइड में और इसी को हम लगाएंगे। और लगाने का सही तरीका क्या है आप ये भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इसको सेट करने के लिए आपको इसके ऊपर तार कम से कम 3 mm तार ऊपर होना चाहिए, आपके कनेक्टर से 3 mm तार ऊपर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके वायर की ऊपरी परत उतार लेना है, ठीक है। इसका अलग से कटर भी आता है लेकिन मेरे को इससे इस कटर से काटने में आसानी रहती है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ इसमें, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको तार को ऊपर वाली परत को छील लीजिए। छीलने के बाद आप क्या करें, आप इसको ऐसे काट लें इसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बाहर नहीं तो बाहर निकला रहेगा वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तार को आपको छीलना है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इस तरह से आप इसको छील लीजिए और इसके ऊपर जो एल्युमिनियम की ये परत होती है इसको भी आपको साइड में कर लेना है ऐसे ऐसे। अगर है तो भी, नहीं है तो भी आप इसके अंगूठे से ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल आपको ये सही हो जाना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। बाहर की तार अंदर वाले वायर से जो बीच की वायर दिख रही है आपको, इसके साथ बिल्कुल भी एक भी तार अगर शॉर्ट करेगी तो आपका सेटअप बॉक्स ख़राब हो जाएगी, आपकी LNB भी ख़राब हो सकती है इससे, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आपको इस तरह से करना है और उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर में आपको डालना है तार को, ठीक है। इस तरह से आपको इसको चढ़ा लेना है, घुमा करके ऐसे हल्का सा घुमा करके चढ़ा लीजिए। और उसके बाद आपको मैंने जैसे कि बताया था 3 mm ऊपर आपको इसको काटना है, इसे इस तरह से देखिए 3 mm आपको ऊपर काटना है। अब आपको इसको छतरी के अंदर आप लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक काम करें कि कभी कोई अगर ऐसे खींच देंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, या तो आप कोई जैसे प्लास लेकर के, आप ऐसे प्लास लेकर के आप इसको रख करके मार देंगे हथौड़ी से तो भी ये आपका नीचे बैठ जाएगा, ये लॉक बैठ देना चाहिए नीचे। आप इसको, इसके चूड़ी नहीं है इसके अंदर जो कि आप इसको कस देंगे तो आपका तार टाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पंच होता है, इसका आता है अलग से, अगर आप मिस्त्री हैं तो आप इसको ज़रूर रखिए, हमेशा काम आने वाला है। इस तरह से आप पंच कर देंगे तो कितना ही जोर लगाएंगे टूट जाएगा पर ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, ये प्रॉपर काम हो गया आपका। तो इस तरीके से आप इसको लगाएं। अब चलिए इसको छतरी के अंदर लगाते हैं, तार हम उतना काटेंगे जब टीवी के पास हमारा पहुंच जाएगा तब, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ला करके इसके अंदर अच्छे से टाइट कर देंगे, जितना टाइट हो सकता है। ये इसके नीचे आप देख रहे होंगे एक रबड़ लगी हुई है, आप लोग इसको रबड़ को ना निकाला करो, वैसे कनेक्टर लगाने में परेशानी होती है लेकिन अगर आप इस रबड़ को निकाल देंगे तो आपका ये LNB का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप इसके रबड़ को मत निकालिए, ठीक है। तो ये रबड़ को लगे रहने दीजिए। और अब इसके पास सेटिंग कैसे करनी है वायर की, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप नई छतरी लगाते हैं तो तारों की सेटिंग बहुत अच्छे से कीजिए, जैसे कंपनी वाले कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये टाई लेनी है, जब कनेक्शन आप लगाते हैं छतरी नहीं लेते हैं तो उसके साथ में टाई मिलती है, टाई नहीं मिलती है तो आप इसको टेप से भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं, अगर मेरे पास टाई नहीं होता तो मैं टेप का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस छतरी को हल्का सा यहाँ पर लूज देना है, ये फिटिंग होती है कैसे कि जैसे मान लीजिए ये फिक्स हो गया और कल को कभी कोई दिक्कत आती है, तार काटना छिलना पड़ जाए कुछ दिनों के बाद में, कोई परेशानी आ जाए ऐसी, तो आप उसको ऐड कर सकें, आपको दोबारा से पूरा तार ना खोलना पड़े इसके लिए ये ज़रूरी होता है। और यहाँ पे भी आपको एक झोल बनाना है, थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा आपको रखना है, कम से कम आधा 1 मीटर तार आप यहाँ पर रख लीजिए और इस तरह से इनको सेटिंग कर लीजिए आपस में।
तो दोस्तों इस तरह से आप लोग जब फिटिंग करते हैं डिस्क की, किसी भी छतरी की जब फिटिंग करते हैं वायर वगैरह की, तो आप इस तरह से, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है, मैंने टाई लगाया है। अगर आपके पास टाई नहीं है तो दूसरी छतरी में आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने टेप लगा रखा है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप टेपों से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने टेप से उसके अंदर सेटिंग कर रखा है। पुरानी छतरी थी, मैंने लगाया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा झोल देना है। तार यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा होने के बाद जब कभी एक इसमें दिक्कत आती है, तार कट जाता है आगे से या कुछ आपको बढ़ाना पड़ता है, तो आपको नीचे से पूरा तार खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना तार कंपनी वाले देते हैं और आपको भी देना चाहिए अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कीजिए। उसके बाद यहाँ से गिट्टी लगा करके हमारा आगे चला जाएगा। आगे उसके बाद हम टीवी के अंदर इसका कनेक्शन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कनेक्टर की सेटिंग की है वैसे ही हम नीचे भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने वायर की सेटिंग करना आपको बताया, अब बाकी आगे हम चल के आपको टीवी चला करके दिखाते हैं नीचे। तो दोस्तों हमारा सेटअप बॉक्स अब कम्प्लीटली लग चुका है, इसका कनेक्शन वगैरह हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखिए इस तरह से हमने इसका कनेक्शन किया, वहाँ से इसका वायर निकाला है ऊपर से। ठीक है, वहाँ से वायर निकाल के फालतू तार हो रही थी, क्योंकि कस्टमर को कम से कम 10 मीटर तार आपको देना ही है, चाहे उसमें 2 मीटर लगे चाहे 10 मीटर लगे पूरा। ठीक है, उसके बाद जो लगता है कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसके पैसे लगते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन प्रॉपरली कर लिया है, जैसे ऊपर हमने कनेक्टर लगाया था वैसे यहाँ पे भी हमने इसका कनेक्टर लगा लिया है। और कनेक्टर लगाने के बाद में इसमें जो टीवी है, ये सीआरटी टीवी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एवी की दो ही लीड होती है, इसके अंदर दो ही लीड लगती है। पुराने ज़माने की टीवी है ये, तो इसके अंदर हमने दो ही लगाया है। वीडियो के हमने वाइट बनाया है और ऑडियो के लिए हमने रेड वाली बना दिया। ठीक है, और इसके अब चलिए इसको ऑन करते हैं, इसके बटन को स्विच ऑन करते हैं इसको, और ऑन करने के बाद देखते हैं इसके अंदर चैनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे इसके अंदर चैनल आ गए हैं। इससे सिग्नल दोस्तों हमने पहले ही मिला लिए थे और इस वजह से हमारे चैनल नीचे आते ही जैसे हमने टीवी ऑन किया और हमारे ये चैनल आने लग गए और सारे के सारे चैनल चलने लग गए। ठीक है, चलिए आप इसके अपने रिमोट के अंदर सभी चैनलों को एक बार चेक कर लीजिए। इस तरह से आप क्या करना है, आपको जैसे 10 चैनलों की लिस्ट आएगी, 10-10 चैनल आगे करके आपको देख लेना है सभी चैनल आ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आपको एक एक करके आप जैसे प्लस की बटन दबाएंगे जो यानी वॉल्यूम की, तो आपको ये 10-10 चैनल आपको आगे बढ़ा करके दिखा देगा कि चल रहा है कि नहीं। अगर किसी पे वीक सिग्नल आता है, किसी पे नो सिग्नल आता है, आपको छतरी दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, और नहीं तो आपको ये पूरा अगर चलने लग जाए तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको सभी को चेक कर लेना है। देख सकते हैं सारे चैनल चल रहे हैं हमारे, 10-10 चैनल चेक करके आप देख लीजिए। सभी चैनल आ गए हैं, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि रुक रहा है, जिसकी वजह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से केबल के कनेक्शन वगैरह करते हैं, कैसे आपको इसके कनेक्टर लगाते हैं और कैसे इनको सेट किया जाता है, कैसे आप फ्री डिस्क का आपको सेटिंग करनी चाहिए। फ्री डिस्क का सेटअप बॉक्स है ये, लेकिन आपको जैसे केबल के कनेक्टर वगैरह हैं ये कैसे तरीके से लगाए जाते हैं ये आपने जाना आज। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।